यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर अब हवन वगैरह होंगे, इतने हवन हो रहे हैं यहाँ पे। हम बैठे हुए यहाँ पर हवन कर रहे हैं। आज हमारे देख सकते कितनी खतरनाक हो रही है धुआं। आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर पर आपको दर्शन करवाने के लिए, जो काफ़ी दूर है। तो बस आप यहाँ पे हैं भैया, और हम कार वगैरह हमारी निकल रही है, तो चलिए आपको भी मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर, भगवान के दर्शन करवाता हूँ। हम उज्जैन अभी महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आ चुके हैं, और अभी हमने 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अभी 100 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। काफ़ी शानदार हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है, तो बने रहिए। यहाँ पर अभी वंपर पे है हम, 110 किलोमीटर अभी चल ली है, मतलब अभी और 80-90 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। रोड भी अब ख़राब आ गया है। देखते हैं यहाँ पर पीछे पेट्रोल पंप के यहाँ कितने टैंक वगैरह रखे हुए हैं। पता नहीं इंडियन ऑयल के टैंक कितने मंगवाते हैं इंडियन पेट्रोल के यार, पेट्रोल पंप वाले। यहाँ पे हार्ट लगा हुआ घटे उसला का भैंस वगैरह यहाँ पर बिक्री है। देख सकते कितनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर, ट्रैफिक भी लगा हुआ। ये सभी गाड़ियाँ में भैंसों को लाया गया है। यहाँ से पूरी दोनों साइड लाइन लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आ चुके हैं मंदिर में, ये गेट है, बंदा चलेंगे इसमें से हम। पर हम आ चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। पीछे भी आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक आई हुई है, सब लेडीज वगैरह आई है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हम आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, आए बगला मुखी माता के मंदिर जो कि नलखेड़ा में है। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ आपको। वैसे यहाँ पर माता जी के मंदिर में आ चुका है हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी पब्लिक वगैरह है, अंदर भी चलेंगे दर्शन आपको करवाएंगे। इस मंदिर की विशेषता भी बताऊँगा अभी आपको कुछ टाइम में। तो ऐसे अभी सामान हम लेके आए हैं यहाँ पर, अभी 2 घंटे की बुकिंग हमारी चालू होने वाली है। उसके बाद हमें 2 घंटे माता जी की पूजा करनी, हवन वगैरह यहाँ पर करवाना है। नलखेड़ा में स्थित है ये बगला मुखी माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है, और यहाँ पर सभी की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम आपके भी मनोकामना कुछ है तो यहाँ पर मान लीजिए, और हम अभी हवन वगैरह करने वाले हैं। सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। हमने अभी दर्शन कर लिए माता जी के, और अभी प्रोसेस चल रही है हवन की, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ टाइम बैठे हुए हैं, फिर हम हवन के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो भी एक छोटा मंदिर देख सकते हैं आप कैसा है ये पूरा, मतलब ये इस पे पर्व के लगी हुई है। ये माहौल है आसपास का, तो भी डमरू रखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी दर्शन यहाँ पर, उधर भी एक मंदिर है, यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है। तो बाबा के दर्शन यहाँ पर आप कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिन पे अलग अलग भगवान विराजमान हैं। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर हवन वगैरह होंगे, इतने हवन हो रहे हैं यहाँ पे। ये हवन चल रहा है यहाँ पे, वेदांत भाई विराजमान है और हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं दोनों। देख सकते हैं आसपास भी सब तरफ हवन चल रहा है। हम बैठे हुए यहाँ पर हवन कर रहे हैं। आगे हमारे देख सकते कितनी खतरनाक हो रही है धुएं की वजह से, पूरी आंखें लाल हो चुकी है। भैया बैठे हुए पीछे भी हवन बहुत चल रहा है यहाँ पर, अभी और करवाते हैं भैया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की पूजा हो रही है, और ये बगला माता माता के मंदिर में यहाँ पर हवन वगैरह हो रहा है। दादा अभी बात कर रहे हैं गुरुदेव से, ये है सभी। यहाँ पर दिन भर हवन चलता है, हवन भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट यहाँ पे हो चुका है। आग देख सकते हैं मेरी पूरी लाल हो चुकी है यहाँ पर। अब हमने अम्बे माता का हवन यहाँ पर करवाया है वृद्धि के लिए, कामकाज के लिए। और यहाँ पर अब आधा हवन हो चुका, कुछ टाइम में हम यहाँ पर अभी हवन वापस से रिस्टार्ट करेंगे। बाहर का माड़ का हवन कम्प्लीट हो चुका है हमारे, यहाँ से चल रहे हैं बाहर। देख सकते हैं अभी बैठने की जगह है माता जी के मंदिर में। माता जी की जय हो। दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से निकल, हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब भगवान के दर्शन कर लिए, पूजा पाठ भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस पार्किंग में, आ चुके हैं गाँव में। देख सकते हैं आप कितनी हरियाली यहाँ पर, पीछे दादर में हो, पीछे आप देखते हैं कितना पानी भरा हुआ है पूरा। यहाँ पर गांव का पानी नाले से होके जाता है। हम भी यहाँ पर भुआसा के यहाँ पर आए हुए हैं, और ये बहुत पुराना गांव है, देखा देता हूँ मैं आपको आसपास क्या है। चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं इस साइड में। तो
इधर भी मकान बना हुआ है और ये कुटिया है गाय भैंस को बांधने के लिए। अब कुछ टाइम में यहाँ से हम निकलेंगे, फिर आगे के लिए विजिट करेंगे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर कुछ है नहीं, बस छत है जो कि इस मकान की है। हम अभी घर के लिए निकल चुके हैं, अभी यहाँ इंदौर में आ चुके हैं। अब यहाँ से 30-40 किलोमीटर का सफ़र होगा। अभी हमारा बच्चा है यहाँ पे होटल पर रुके हुए, चाय पी रहा है अभी हम यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ में आज के ब्लॉग की यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।